हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अनसॉल्व पेपर 2019 का सेट नंबर 1, और स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले बड़े क्वेश्चन से जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो जो कि खंड या हमारा 5 मार्क्स का है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। उसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो अथवा करके दिया हुआ है और क्वेश्चन है, तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन वहाँ का 5 मार्क्स का है, तो यानी खंड या आपको टोटल 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यानी खंड या आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा वो 20 मार्क्स दे के जाएगा। और जो रही बात बहुविकल्पीय की, तो बहुविकल्पीय का हमने जो है पूरा एक वीडियो 2019 में, यानी 7 सेट 2019 में 7 सेट था, तो 2019 का 7 सेट का जितना भी बहुविकल्पीय है, यानी 42 क्वेश्चन, वो सब हमने एक वीडियो में बनाया हुआ, और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप लोग वहां से उसको देख लीजिएगा। सभी सेट का बहुविकल्पीय एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं खंडिया का। यह है खंडिया, इसका पहला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए, अथवा एल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए, तब कुंडली पर कार्य करने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, या उसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके नीचे जो अथवा है फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको। तो देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, यहाँ आपको एम्पियर के परिपथीय नियम की परिभाषा लिखनी है। तो यह एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि किसी बंद पास या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, किसी बंद पास या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस परिपथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के मान का म्यू नाट गुना होता है। यानी रेखीय समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, बी इंटू डीएल। डीएल क्यों, क्योंकि एल लंबाई होती और रेखीय समाकलन बोला था, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इजकल टू उसमें बहने वाली टोटल धारा का म्यू नाट गुना, बहने वाली धारा मान ली अगर आई है तो गुणे म्यू नाट। क्लियर, तो यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसी में पूछा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये तो हो गया। इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमने एक धारावाही परिनलिका ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक धारावाही परिनलिका हो गई, जिसमें फेरों की संख्या क्या है, एन है। इसमें एन फेरे हमने लपेट रखे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे और इस फिगर के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको लिखेंगे। क्या चीज़ें लिखेंगे बता रहे हैं आपको, लिखेंगे कि परिनलिका को बनाने के लिए मोटे कागज की लंबी खोखली नली के ऊपर विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे एक दूसरे से सटाकर क्या किए गए हैं, लपेटे गए हैं, ठीक है। फिर परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर परिनलिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तथा उसे बाहर चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है और परिनलिका के बाहर चुंबकीय, परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब क्यों परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, देखो जैसे मान लो ये कोई हमारी परिनलिका है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक तार लपेट रखा, तो इस तार के कारण, इसके तार में बहने वाली प्रत्येक छोटे से लंबाई, यानी छोटे से खंड के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो तार की लंबाई के इस खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में आएगी, और इसी के ठीक नीचे चले जाओ तो इस खंड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो कैंसिल कर देंगे। तो इसी तरीके से तार के प्रत्येक खंड के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ लगेगा, और सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी परिनलिका के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लगभग शून्य होता है। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, परिनलिका के भीतर होता है, ठीक है, परिनलिका के अंदर होता है। क्लियर, तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका की अक्ष, यानी जो ये अक्ष, इसको इसके बीच से जो रेखा जाएगी, अक्ष के अनुदिश
होता है। अब पर्णालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, पर्णालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता, और वो दो बातें कौन सी हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज करके आप लिखेंगे। तो सबसे ये हो गई फिगर के बारे में, इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे आप, पर्णालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दो तथ्यों पर निर्भर करता है। क्लियर? पहला जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फेरों की संख्या के, जहां एन क्या है, फेरों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्णालिका में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी कुंड पर्णालिका में के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पर्णालिका में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल टू आई। समीकरण एक और दो से क्या मिलेगा, बी प्रोपोर्शनल एन आई, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं म्यू नॉट, म्यू नॉट। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन आई। यही है पर्णालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना था, और ये यही है। कई कई बुकों में अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो हम आपको सबसे इजी तरीके से बताएं, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी तरीके से ना तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ना ही आपको बुक में मिलेगा। तो इस बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है, लगभग सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं इसमें अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो अथवा करके दिया है उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन यह है कि एल लंबाई के एक तार को एन फेरों को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं, यदि कुंडली में आय धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाला अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसे हमने बना लिया, अब इसमें कोई एक हमारा क्या वृत्तीय लूप है, अभी तो हम क्या करते हैं एल लंबाई का जो तार है उसका एक वृत्तीय लूप बना लेते हैं, और फिर बाद में क्या करेंगे, यन फेरे हैं तो यन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक फेरे के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर अगर फेरों की संख्या एन हो तो फिर हम क्या करेंगे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। ओके, तो सबसे पहले ये हमारी बात आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई वृत्ताकार लूप रखा हुआ है, अब इस पर क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, अब अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके प्रत्येक साइड पर एक बल कार्य करेगा, क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, एक बल लगेगा, और वो बल इस तरीके से लगेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई क्या, देखिए वृत्ताकार लूप है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब इस पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रखी हुई है, अब इसके ऊपर जो बल लगेगा, इसके ऊपर F2, यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं F2, और इसके नीचे जो बल लग रहा है, इसके नीचे जो बल लग रहा है F4, तो ये दोनों एक दूसरे बल तो क्या होगा बराबर लगेगा, लेकिन एक दूसरे से क्या बिल्कुल विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो इस साइड पर बल लगेगा F3, और इधर इस साइड पर जहाँ हम पकड़ें इधर इधर की तरफ बल लगेगा F1, ठीक है, F1 इधर कार्य कर रहा है, F3 इधर कार्य कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्या करेंगे, इस कुंडली को ऐसे घुमा देंगे, इसको क्या करेंगे, इस कुंडली को ऐसे, क्योंकि F1 इधर कार्य कर रहा है और F2 जो इधर, ठीक है, सॉरी F3 इधर कार्य कर रहा, तो ये क्या करेंगे, इस कुंडली को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो यही हमें निकालना है कि कितने बल युग्म आघूर्ण से ये इसको, इस पर बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक फिर एक लूप के लिए निकालते हैं, फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के लूप, एन लूप के लिए आ जाएगा। माना एक वृत्तीय लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया जाता है, ये कोई वृत्तीय लूप है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया, ठीक है। इस पर कौन सा बल कैसे कार्य करेगा, ये चीज़ें हमने क्लियर किया अभी एक रिंग के माध्यम से, ठीक है। तो जैसा कि ये एफ वन F2 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हैं। अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल F2 या F4 क्यों निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और परिणाम में बराबर आता, कैंसिल कर देंगे। और F1 और F3 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, तो इसका परिणाम कितना हो जाएगा, F1 और F3 का मान हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, जहाँ पे L क्या है F1 या F1 व F2 के बीच की दूरी, L क्या है F1
व एफ थ्री के बीच की दूरी, एफ वन व एफ थ्री के बीच की दूरी, ठीक है। या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r भी हो सकती है, ये कितनी हो सकती है 2r भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने l ही रखा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बल F1 व F3 क्या कर रहे हैं, एक बल युग्म बना रहे हैं। कैसे बल युग्म बना रहे हैं, अभी हमने बताया था कि एक बल इधर कार्य कर रहा है और दूसरा बल इधर, तो ये क्या करेगा, कुंडली को ऐसे क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, बल का परिणाम गुणे बीच की लंबवत दूरी। यदि हम क्या कर रहे हैं, इसी कुंडली को, ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, आयत मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं, आयत मान ले रहे हैं, जिसकी लंबाई L हो गई और चौड़ाई B हो गई, ठीक है। तो जब आयत मान लेते हैं तो ये इसकी चौड़ाई बनी, तो इसको अगर हम मान लो ऐसे थीटा कोण पर रख दें, कैसे, ऐसे थीटा कोण पर रख दिए, और हमें चाहिए लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या हो गई, ये दूरी चाहिए, तो ये थीटा, ये पूरा B, जिसकी चौड़ाई क्या है, हमने B मान ली, तो ये B है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल का परिणाम, बल अभी पीछे कैलकुलेट किया कितना आया, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, सॉरी आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। और ये बल इन टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये साइन थीटा इसकी बात कर रहे हैं, ये बी व एल के बीच थीटा बराबर क्या है 90, तो ये साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमको लिख पीछे ही देना था लेकिन यहाँ भूल गए लिखना, तो हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, इसको रेड पेन से लिख दे रहे हैं, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल, तो आई इसको कैपिटल बी लिख देते हैं, और ये ए साइन थीटा, ठीक है, जहां ए कुंडली का क्षेत्रफल है, जहां ए कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बल युग्म आघूर्ण आ गया, ठीक। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या व कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो हो तब बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। अब स्टार करके लिख लो, यदि कुंडली वृत्ताकार हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि आयताकार हो तो ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यदि सब यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है बिल्कुल बिल्कुल वृत्ताकार ही पूछ ले, आयताकार, वर्गाकार कुछ भी पूछता है तो सब क्लियर कर देंगे, सबके लिए डेरिवेशन सेम है, ठीक है, सबके लिए डेरिवेशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बदल जाएगा, सॉरी यहाँ पे वर्गाकार लिख लेते हैं, वर्गाकार हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर रखनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम कल के वीडियो में बता देंगे, आज थोड़ा सा हमें JRF का पेपर देने जाना है तो लेट हो जाएंगे आज यहीं तक। हेलो वेलकम, अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।